आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देवप्रयाग घुमाने वाले हैं, जो कि पांच प्रयागों में से पांचवें नंबर पे है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। वैसे तो हमारे भारत में पांच प्रयाग हैं। नंबर एक पे विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग और पांचवा देवप्रयाग। आज की इस वीडियो में हम देवप्रयाग घुमाएंगे, इसके बाद आपको रुद्रप्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग और इसके बाद नंद प्रयाग, फिर लास्ट में विष्णु प्रयाग। जैसे ही जैसे जो प्रयाग पहले आता जाएगा उसको हम घुमाते जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। दोस्तों, रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ से गंगा का जन्म होता है। यहाँ पे अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर दोनों आपस में मिलती है। गंगोत्री से भागीरथी रिवर निकलने के पश्चात और बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलने के पश्चात दोनों का संगम देवप्रयाग में ही होता है और यहीं से माँ गंगे का जन्म होता है और आगे ये नदी गंगा माँ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर जो जगहें हैं वो घूम सकते हो। यहाँ पे कहते हैं कि महाराज दशरथ ने तपस्या किया था। देवप्रयाग में आप कैंपिंग और ट्रैकिंग जैसी तमाम एक्टिविटीज कर सकते हो। यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार है। अगर आप कभी भी यहाँ पे घूमने आते हो तो आप अपने साथ जैकेट वगैरह लाइएगा, थोड़ी ठंड लगेगी क्योंकि काफ़ी ठंडा प्लेस है। यहाँ पे आप व्यू पॉइंट पे जाकर जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो देख सकते हो। कुछ इस तरह से दिखता है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो रहा होगा। यहाँ पे लोग नहाते हैं और अपने पापों को धोते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखते हो कि एक बिल्कुल साफ नदी है और एक थोड़ी सी गंदी नदी है, दोनों का संगम हो रहा है और यहीं से माँ गंगे का जन्म हो रहा है और यही नदी आगे चलकर माँ गंगे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है। घाटियों के बीच में स्थित यह प्लेस आपको काफ़ी अच्छा अनुभव कराएगा। तो आप जब भी यहाँ पे आने वाले हो तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी मौसम पे यहाँ पे आ सकते हो और माँ के इस पावन धाम पे अपनी हाजिरी लगा सकते हो। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आए कैसे। ऋषिकेश से यहाँ की दूरी करीब 73 किलोमीटर है। अगर आप हरिद्वार से आना चाहते हो तो हरिद्वार से यहाँ की दूरी 100 किलोमीटर के करीब है। देवप्रयाग की ये ट्रिप आप 1000 से भी कम रुपए में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा और भी प्लेसेस घूमने के लिए नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है कि आप यहाँ पे आइए और आपका काफ़ी कम खर्चा आएगा। अगली वीडियो में हम आपको रुद्रप्रयाग लेके चलेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइए।